दोस्त तो घर हो जाता है बर्बाद। अगर जिस घर में ऐसी तस्वीरें लगाई जाती हैं तो वहां पर गलती से भी कामयाबी कदम नहीं रखती। इसीलिए आज ही अपने घर से इन तस्वीरों को बाहर फेंक दें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जहां पर अच्छे बुरे सभी ज्ञानों को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन एक बेहतर, सफल और आनंदमय बना सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति को वास्तु शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो वो विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि घर में मूर्तियां लगाने और तस्वीर लगाने से कई ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। आपको बता दें, जो व्यक्ति अपने घर में इन अशुभ तस्वीरों को लगा लेता है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता, बल्कि जहां पर ऐसी तस्वीरें लगी होती हैं तो कंगाली और बर्बादी कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए इन तस्वीरों को लगाने से बचें और हो सके तो घर से तुरंत बाहर फेंक दें या किसी पेड़ के नीचे रख आएं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार वैज्ञानिक तौर पर किसी भी रोते हुए की तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी तस्वीर है तो आपके घर में बहुत बड़ी विपदा आ सकती है, यहाँ तक कि आपका जीना दुश्वार भी हो सकता है। ऐसी तस्वीरें श्रापित कहलाती हैं बा मनुष्यत को दर्शाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, महाभारत में होने वाले युद्ध या लड़ाई झगड़ों के चित्र या फिर चित्र में कोई भी चीज टूटी हुई है तो आपके घर में दुर्घटना आदि हो सकती है, यहाँ तक कि आपका परिवार भी टूट कर बिखर सकता है। ऐसी तस्वीरें लगाने से घर में कई भयंकर कलेश हो सकते हैं जिसे आप कभी भूल भी नहीं सकते, इसीलिए हो जाएं सतर्क। दोस्तों, नंबर 3, बहता हुआ पानी। किसी भी व्यक्ति को अपने घर में बहते हुए पानी की तस्वीर गलती से भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से कर्ज बढ़ जाता है और धन भी बहते हुए पानी की तरह बह जाता है, इसीलिए हो जाएं सतर्क। और वहीं डूबते हुए जहाज की तस्वीर भी गलती से भी ना लगाएं। ऐसा करने से आपका घर परिवार भी डूब सकता है। डूबता हुआ जहाज मनुष्यत को दर्शाता है। दोस्तों, नंबर 4, जो व्यक्ति अपने घर में राक्षस और भूत प्रेतों के भयंकर चित्र लगा लेता है तो बड़ी आसानी से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो जाती है और जिससे वो व्यक्ति खुद अपनी बर्बादी स्वयं करता है। वहीं खतरनाक जानवरों की तस्वीर भी कभी मत लगाना, नहीं तो घर में बार बार झगड़े आदि होते रहेंगे। दोस्तों, नंबर 5, नटराज की मूर्ति। अपने घर में कभी भी नटराज की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस मूर्ति में भगवान शिव तांडव की मुद्रा में रहते हैं और ये मूर्ति शिव के गुस्से का प्रतीक होती है, इसीलिए हो जाए सतर्क, नहीं तो आपके घर में तांडव होगा। वहीं ताजमहल का चित्र भी लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ताजमहल मृत्यु का प्रतीक होता है, इसीलिए इसे घर में लगाने से सदस्यों की आयु कम हो सकती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें।